आम सेशन नहीं है ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में। डोंट ट्राई टू स्किप, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इधर अटैक करूंगा, इधर 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 हिला डालूंगा, जड़ 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 जड़। एसआईपी और म्यूचुअल फंड बहुत ताकतवर है भैया, समझो। आज 10 साल नहीं, 1 साल 12% आम सेशन नहीं है ये म्यूचुअल फंड और एसआईपी के बारे में। डोंट ट्राई टू स्किप, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इधर अटैक करूंगा, इधर 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 हिला डालूंगा, जड़ 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 जड़। एसआईपी और म्यूचुअल फंड बहुत ताकतवर है भैया, समझो। आज 10 साल नहीं, 1 साल 12% नहीं, 15% ले लेते हैं। 15% कैसे, सब सिखाऊंगा। अच्छा, कई बार आपने पूछा ना सर 15% कैसे, उस लॉन्ग टर्म में 15 कैसे, शॉर्ट टर्म में ज्यादा काम, वो सब सिखाऊंगा इधर। अरे भैया हो जाओ यार। अब देखो इस कैलकुलेटर में एसआईपी की ताकत, सर 500 रुपए सिर्फ 1 साल के लिए, सिर्फ 1 साल, और कितना परसेंट, 15% ही मेरे को रिटर्न मिल रहा है। जरा यहाँ पे देखो सर, ये जो एरिया है ना, ये वाला जो ग्रे वाला आप एरिया देख रहे हो सर, ये वाला ग्रे एरिया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये जो ब्लू वाला एरिया है सर आपका रिटर्न अमाउंट है, आपको कितना रिटर्न मिला है। तो आपने सर इन्वेस्ट किया है 6,000 रुपए पूरे साल में, 500 रुपए महीना करके आपको रिटर्न मिला है सर 511 रुपए। आप कहोगे इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो मिल ही जाता है। बड़ी बात तो अब समझ में आएगी सर, याद रखना, बस लिख लो कहीं लिखना है तो। सर 6,000 रुपए पूरे साल दिया, सर मिला सिर्फ 511 रुपए, उस पर इंटरेस्ट कमाई, टोटल 6,500 रुपए हो गया, लेकिन यहाँ पर 511 ही मिला था ना। अब समझो ध्यान से सर, अच्छा इधर लिख के भी आता है, इधर हाथ रखोगे ना, टोटल इन्वेस्टेड 6,000, इस पे रखोगे तो आपका गेन है 511। गेन मतलब जो आपको प्रॉफिट रिटर्न मिला, जो आपने इंटरेस्ट कमाया वो। सर यहाँ पे ऑप्शन है, इसको आप इसमें जाओ, इसमें आप 10 ईयर करो, यहाँ पे 1 साल का मैं 2 साल कर देता हूँ। सर एक और डंडी खड़ी हो गई, जरा इस बार ध्यान देना सर, ये ब्लू वाला पार्ट थोड़ा बड़ा लग रहा है क्या, लग रहा होगा इस बार थोड़ा बड़ा। ये आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, ये ग्रे वाला एरिया आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है, और ये रिटर्न अमाउंट, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट है। रिटर्न तो पूरा ही हुआ, ये प्रॉफिट वाला अमाउंट है। या देखो सर, 12,000 आपने इन्वेस्ट किया, आपको 2,000 रुपए इस वक्त इंटरेस्ट मिला है, टोटल 14,000 रुपए मिला। ध्यान देना आप जरा मेरी बात सर, पहली बार 1 साल में कितना दिया था, 6,000 ना, मिला कितना था सर, 500 रुपया ना, 511 सर, 6,000 रुपए दिया, 500 रुपए मिला था पहले साल में, दूसरे साल में डबल दिया, 12,000 हो गया, 6,000 पहले वाला और 6,000 नया वाला, 12,000, लेकिन इंटरेस्ट कितना कमाया सर, 2,000। पहला 500, अगले साल 2,000, 4 गुना सर, 1 साल में 4 गुना इंटरेस्ट कमाया आपने, दिया आपने 2 गुना, लेकिन कमाया आपने 4 गुना। मैं फिर से बोल रहा हूं, दिया आपने 2 गुना, पहला 6,000 पहला साल में दिया था, पहला साल में 6,000 दिया था, दूसरा साल में 6 + 6 आपका 12,000 हुआ, लेकिन इंटरेस्ट हो गया 4 गुना। और 1 साल बढ़ाते हैं सर, इतना समझ में आ रहा है कि नहीं। सर यहाँ 3 साल कर देते हैं, जरा देखो सर, इस बार ये जो ब्लू वाला पार्ट है, जो इंटरेस्ट की कमाई है, थोड़ा और मोटा लग रहा है क्या, लग रहा है ना, आओ ना इधर देखो ना सर, 18,000, मतलब तीसरे साल 6,000 6,000 6,000, 18,000, 3 गुना ज्यादा आपने इन्वेस्ट किया, लेकिन रिटर्न सर 4,800, टोटल 22,800। ये जो इंटरेस्ट वाला अमाउंट है जरा देखो सर, 4,800, 4,800 सर, 500 था पहले साल, और तीसरे साल लगभग 5,000, मतलब सर लगभग 9 गुना सर, आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 3 गुना बढ़ा, 3 गुना आपने ज्यादा इन्वेस्ट किया, लेकिन जो इंटरेस्ट की कमाई हो रही है वो 9 गुना बढ़ गया सर तीसरे साल में ही। चौथे साल में जरा देख लो, लो चौथा साल हमने ले लिया, चौथे साल में इसकी मोटाई और बढ़ी क्या, इधर देखो ना सर, चौथे साल में आपने 4 गुना दिया, 6,000 6,000 6,000 6,000, 4 गुना, लेकिन सर कितनी कमाई हुई, 9,000। पहले साल में कितना, 500 सर, चौथे साल में 9,000, कितना गाना सर, 15 गुना से ज्यादा है ये, 15 गुना, मतलब आपका इन्वेस्टेड अमाउंट 4 गुना ज्यादा, लेकिन जो इंटरेस्ट अर्निंग है वो 15 गुना सर। 1 रुपए को 31 दिन अगर किया हर रोज डबल, वो 100 करोड़ बन गया था। डोमिनो को अगर 50% बढ़ाते बढ़ाते 23वां डोमिनो वो आईफिल टावर के बराबर बन गया सर। ये देख रहे हो किस स्पीड से इंटरेस्ट वाला पार्ट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा इंटरेस्ट बढ़ा, टोटल रिटर्न भी आपका उसी स्पीड से बढ़ रहा है ना, ये टोटल रिटर्न है। और मजे की बात दिखाऊं क्या,
सर इसको बढ़ा करके जरा 10 साल ले लेते हैं। सर देखना जरा, आपको नहीं लग रहा अभी ब्लू वाला पार्ट, इंटरेस्ट कमाई वाला पार्ट ज्यादा लंबा हो गया है और ये आपका छोटा हो गया है, नहीं लग रहा? और जरा इधर देखते सर, 60,000 रुपये आपने इन्वेस्ट कर दिए 10 साल में टोटल। सर इंटरेस्ट आपने 79,000 रुपये कमाया सिर्फ इंटरेस्ट, और टोटल 1,39,000। इंटरेस्ट पार्ट आपका बड़ा हो चुका है आपके इन्वेस्टेड अमाउंट से, दिख रहा है ग्राफ में भी दिख रहा है ना, ये ग्रे वाला पार्ट जो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट है वो छोटा हो चुका है। खेल और देखो सर, अब जरा इसको हम उस पे आऊंगा भी, कितना 20 गुना हर साल बढ़ेगा। मैं इसको जरा 20 साल ले लेता हूँ। सर 20 साल में देखो आपका इन्वेस्टेड अमाउंट तो और छोटा हो गया, अब तो खाली इंटरेस्ट ही बहुत मोटा हो गया भैया, और टोटल मिला करके अपना रिटर्न अमाउंट तो बहुत बड़ा हो गया। आओ इधर भी देखो सर, 1.2 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया, सर आपका सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट इसमें 6.5 लाख रुपए के आसपास है, सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट आपका, और टोटल रिटर्न तो 7.5 लाख हो गया है, टोटल रिटर्न 7.5 लाख, लेकिन सिर्फ इंटरेस्ट पार्ट आपका 6.5 लाख के आसपास है। जादू देखो सर, जादू दिखाता हूँ, अब जादू दिखाता हूँ, दिमाग खोलो, पास आओ, आ जाओ, स्क्रीन सटाओ, ऐसा फोन में देख रहे हो क्या, ऐसा करके देखो, पास आ जाओ, दिमाग खुलेगा। सर मैं सिर्फ 1 साल बढ़ाऊंगा, सिर्फ 1 साल, इस बार 20 से 40 नहीं करने का, सिर्फ 1 साल, ध्यान रखना बस इसको याद रखना। 1.2 लाख मतलब 1,20,000, कितना इन्वेस्ट किया सर 1,20,000, इंटरेस्ट वाला पार्ट कितना है लगभग 6.5 लाख, तो टोटल कितना 7.5 लाख। सर 1,20,000 पे थोड़ा 7.5 लाख मिल रहा ना मेरे को, मैं इसको सिर्फ 1 साल बढ़ाता हूँ सर, सिर्फ 1 साल, 21 किया मैंने सर, मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ 6,000 मैंने बढ़ाया है, 1,26,000 हुआ है, सिर्फ 6,000 मैंने बढ़ाया है, 1,20 था ना, 1,26 किया, तो टोटल 6,000 बढ़ाया है सर, 6,000 बढ़ाया, लेकिन टोटल रिटर्न मेरा बढ़ गया सर 1 लाख। कहा था ना सर 6,000 बढ़ाओगे मिलेगा 1 लाख, 6,000 बढ़ाया मिला 1 लाख। जादू इतने तक सीमित नहीं है, 1 साल और बढ़ाता हूँ, 1 साल और बढ़ाया सर, मैंने 6,000 फिर और थोड़ा और बढ़ा दिया, 6,000 बढ़ाया सर, लगभग 1.5 लाख और बढ़ गया, 1.5 लाख से ऊपर बढ़ाई है, 1.5 लाख से कितना बढ़ाया है सिर्फ 6,000 बढ़ाया है और 1.5 लाख से ऊपर बढ़ाया है, 1.5 लाख से ऊपर। अब जादू और दिखाता हूँ इसको, थोड़ा हम खेलते हैं ना, खेल है सब भैया, खेल है सब। सर फिर 6,000 मैंने बढ़ाया, कितना बढ़ाया सिर्फ 6,000 बढ़ाया, लगभग 2 लाख से ऊपर बढ़ गया 12 लाख, 2 लाख से ऊपर बढ़ गया 12 लाख। ऐसे ही अगली बार फिर 6 लाख बढ़ाओगे, पता चले 2.5 लाख बढ़ गया, अगली बार फिर 6 लाख बढ़ाओगे, पता चले 3.5 लाख बढ़ गया, अगली बार फिर 6,000 बढ़ाओगे, पता चलेगा 4 लाख बढ़ गया, फिर 6,000 डालोगे, पता चलेगा 10 लाख बढ़ गया, 6,000 करके। सब ताकत समझ में आ रही है SIP की, ताकत समझ में आ रही है म्यूचुअल फंड की, म्यूचुअल फंड में कौन सी कंपनी, कैसी कंपनी चुनना है, किसमें इन्वेस्ट करना है, कब तक इन्वेस्ट करना है, वो सब आएंगे इसी कोर्स में, पूरा सिखवाऊंगा, सिखाऊंगा, वो सब अलग की बात है, आगे की बात है, लेकिन पहले ये समझो सर, बेस ये है, जड़ ये है, ये अगर दिमाग में घुस गया तो SIP की ताकत समझ जाओगे, फिर कोई हिला नहीं सकता सर, इससे ज्यादा पावरफुल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं कहता हूँ इन्वेस्टमेंट में इससे ज्यादा पावरफुल कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। सर इसको जरा 40 साल कर लो तो जरा, सर 40 साल में देखो तो ग्रे वाला पार्ट अब दिखना ही बंद हो गया है, आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट वो दिखना ही बंद हो गया सर, सर ब्लू पार्ट है, आपको नहीं लग रहा वो डोमिनो टाइप नहीं दिख रहा है सर, इसको हासिल करना आप यहीं पे सोच रहे थे, आप इसी पॉइंट पे इसको हासिल करना चाह रहे थे, ये क्या है 1.5 करोड़, यानी कि 1.5 करोड़ वाली इनकम आप यहाँ हासिल करना चाहते हो, होगा क्या, होगा क्या, नहीं होगा। यहाँ से छोटे छोटे डोमिनो शुरुआत करो ना, एक एक लाइन में थोड़ा थोड़ा डोमिनो अरेंज करो ना, करने का मतलब क्या, थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टिंग डालो ना। मुझसे कभी अभी किसी ने पूछा सर कुछ ऐसा बनाओ कि 20-25 साल वेट ना करना पड़े, तुरंत पैसा डबल हो जाए, तो मैंने उसको समझाया भैया एक काम कर, माँ कितनी भी चाह ले, बाप कितना भी चाह ले, 9 महीना काहे को गर्भ में रखना है, अगले महीने निपटा देते हैं ना, नहीं हो सकता सर। सर चाहे अंबानी हो, चाहे टाटा हो, चाहे एलॉन मस्क हो, चाहे एक रिक्शा चलाने वाले का बच्चा हो, चाहे मजदूर का बच्चा हो, सर पैदा तो 9 महीने में होगा, प्रोसेस से नहीं स्किप नहीं कर सकते, प्रोसेस से नहीं भाग सकते, जिस चीज का प्रोसेस जैसा है उसको स्किप कैसे कर दोगे भैया। अच्छा ऐसे लोग जो होते हैं ना, अरे जल्दी हो जाए, थोड़ा 20 साल तक वेट ना करना पड़े,
सर इनकी उम्र 20 साल आगे घसक जाएगी, आज 20 साल के अगले कुछ टाइम बाद ही 40 साल के हो जाएंगे और तब भी यही सोच रहे होंगे, अरे यार कुछ ऐसा तरीका मिल ही नहीं रहा जो तुरंत, अरे तुमने 20 साल निकाल दिया सोचते सोचते, उसी टाइम अगर थोड़ा 500 रुपये 1000 रुपये से करना शुरू कर दिए होते तो अभी तक तो बन चुके होते करोड़पति, अभी तक तो बन चुके होते चाचा। सही बात सर, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।